Hello friends, I am Chanchal and I would be taking your economic lectures for NTA NET exam. If you like this video, do hit the like button. Now we will start today with the meaning of business economics, then we will cover the scope of business economics, and then we will look at what are the objectives of the firm. After that, we'll come to our main topic, that is demand and supply. First question हमारे दिमाग में आते हैं कि business economics है क्या? तो business economics समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि कोई भी individual और entrepreneur क्या decisions लेता है अपने firm की life में. तो वो कैसे-कैसे decisions लेता है? वो decision लेगा demand से related, supply से related, stock, price, input, output, profit, इन सब से related जब वो decision लेगा, तब उन decisions से जो problem arise होगी, उनके लिए solution निकालना is business economics. तो ये जो सारे variables हैं, demand, supply, stock, ये सब कौन से variables हैं? Economic variables. तो जब भी decision economic variables से related होंगे और उनसे problem arise होगी, तो उनका solution निकालने के लिए we use business economics. तो यहाँ पर भी वही लिखा है, individuals and entrepreneurs make a number of decisions which directly or indirectly relates to the economic variables, and hence business economics provides solution to these problems faced by their business firms. Next topic aata hai, business economics ka scope kya hai? Pehla scope hai demand analysis and forecasting. Ek firm ko decision lena padta hai ki uske product ki demand kitni hogi, to use pehle se pata hona chahiye ki consumers uske product ko itna demand karenge, us hisab se hi production hogi. So this is demand analysis and forecasting. Next hai cost and production analysis. अब कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए बहुत सारी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है. अगर कॉस्ट का ध्यान ना रखा जाए तो प्रॉफिट्स बहुत कम हो सकते हैं. तो इसलिए कॉस्ट एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट. और प्रोडक्शन एनालिसिस में क्या है कि हमें कितना लेबर चाहिए, कितना हमें रॉ मटेरियल चाहिए, ये सब हमें ध्यान में रखना है. द सेम थिंग इज रिटन हियर. नाउ मूविंग ऑन, द थर्ड इज प्राइसिंग डिसीजन पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस. किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस सेट करते हुए हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ज़्यादा होगा तो कंज्यूमर्स उसे प्रेफर नहीं करेंगे, और अगर बहुत कम होगा तो लोग सोचेंगे कि उसकी क्वालिटी ख़राब है. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन विच फर्म नीड टू टेक. और जब वो प्राइस का डिसीजन ले लेगी, तब भी बाकी सारी पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस को वो फॉलो कर पाएगी. नेक्स्ट इज प्रॉफिट मैनेजमेंट. अब किसी भी फर्म के लिए प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्म काम ही इसीलिए कर रही है ताकि वो प्रॉफिट कमा सके. अब प्रॉफिट कमाने के लिए उसे बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा. अब जो हमारा कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, उसमें बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ है, मतलब कि हमें पता ही नहीं है कि कल क्या हो जाए. कल कोई अगर अनसर्टेनिटी हो जाती है तो हमारा पूरा बिजनेस ख़त्म हो सकता है. तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रॉफिट कैसे मैनेज किया जाए, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट टास्क टू डू. लास्ट इज कैपिटल मैनेजमेंट. कैपिटल होता है कि हमें कितना पैसा चाहिए अपना फर्म चलाने के लिए. तो उसके लिए हमें एक ऑप्टिमम लेवल मेंटेन करना पड़ेगा ताकि हमारे प्रॉफिट्स भी कम ना हो और कॉस्ट हमारे मिनिमाइज हो जाए. तो ये सारे स्कोप है बिजनेस एनवायरनमेंट के. नेक्स्ट टॉपिक आता है जो ये एक्टिविटीज़ होती हैं, जो डे टू डे लाइफ में होती हैं, उसमें दो टाइप की एक्टिविटीज़ होती है. फर्स्ट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड सेकेंड इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी होती है? जो प्रोडक्शन करे वेल्थ की, जिससे वेल्थ क्रिएट हो. जैसे कि हम कोई भी काम करने जाते हैं, अगर हम उसके लिए पैसे ले रहे हैं तो उससे वेल्थ प्रोड्यूस हो रही है. अगर वेल्थ प्रोड्यूस हो रही है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है. लेकिन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी होंगी? जैसे फॉर एग्जाम्पल, योर मदर लव्स यू, शी इज़ नॉट डूइंग दैट विद द मोटिव ऑफ मनी. वो क्या हो गया? लव मोटिव हो गया. तो ऐसे बहुत सारे मोटिव्स होते हैं, जैसे रिलीजियस मोटिव, कल्चरल मोटिव, ये सब जो है वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आएंगे. नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस फर्म. फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है सेल्स मैक्सिमाइजेशन गोल. अब सेल्स मैक्सिमाइजेशन क्या है कि स्टार्टिंग में जब कोई भी फर्म कॉम्पिटिशन में एंटर होगी तो उसे अपनी सेल्स मैक्सिमाइज करना है. उसे देखना है कि हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो ताकि उनकी जो है प्रॉफिट बढ़े. जैसे जैसे प्रोडक्ट ज़्यादा ज़्यादा सेल होता जाएगा उसके बाद धीरे धीरे प्रॉफिट्स भी आने लगेंगे, क्योंकि उनकी सारी कॉस्ट कवर होने लग जाएगी. इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पतंजलि. पतंजलि ने क्या किया? लो कॉस्ट पे प्रोडक्ट्स निकाले. उन्होंने, उनका मोटिव प्रॉफिट नहीं था, उन्होंने पहले अपने प्रोडक्ट्स को हर जगह सेल किया, उसकी वजह से धीरे धीरे उनके प्रॉफिट्स भी आने लगे. सेकेंड ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. अब कोई भी फर्म अपना प्रॉफिट बढ़ाना चाहेगी, और कोई भी जो उस फर्म के शेयर होल्डर्स है वो अपनी वेल्थ को बढ़ाना चाहेंगे. अब प्रॉफिट और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को समझने के लिए हमें पूरा डिमांड और सप्लाई समझना पड़ेगा, ताकि हमें ये पता लगे कि कोई भी फर्म अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए डिमांड को कैसे एनालाइज करती है, कैसे फोरकास्ट करती है, और वो अपनी सप्लाई को कैसे ट्रीट करती है उसके अकॉर्डिंग. तो अब हम स्टार्ट करेंगे डिमांड एंड सप्लाई. सबसे पहले डिमांड. अब डिमांड सुनते ही हमारे दिमाग में आते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट जो हमें चाहिए वो डिमांड, बट ऐसा नहीं है. डिमांड क्या है? जब हमारे पास
हम उसको खरीदना तो चाहते हैं, हमारे पास उसको खरीदने की एबिलिटी भी है, तो वो डिमांड होगी. फॉर एग्जाम्पल, अब मैं चाहती हूँ कि मैं ऑडी खरीद लूँ, मेरा मन है, बट मेरे पास इतने पैसे नहीं है, तो वो डिमांड नहीं होगी, वो हमारी डिजायर होगी. तो अगर मेरे पास ऑडी खरीदने के पैसे भी हैं और मेरा मन भी है, तो वो डिमांड बनेगी. सो वॉट इज डिमांड? क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू परचेज एट एनी गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. सो नाउ वॉट इज सप्लाई? सप्लाई इज दैट क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी विच द कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एंड द सप्लायर इज ऑल्सो विलिंग टू सेल एट अ फिक्स्ड प्राइस. सो नेक्स्ट चीज आती है हमारी डिमांड फंक्शन. डिमांड फंक्शन चार चीजों से कॉन्स्टिट्यूट होता है. पहला है प्राइस ऑफ गुड एक्स, किसी भी कमोडिटी का प्राइस, या फिर प्राइस ऑफ अदर गुड, कोई भी दूसरे गुड का प्राइस. देन कंज्यूमर इनकम, की एक कस्टमर है हमारा, उसकी इनकम क्या है और उसके टेस्ट और प्रेफरेंसेस क्या है. इन सबको मिलाकर हमारा बनता है डिमांड फंक्शन. अब ये जो सेटरस पेरेबस लिखा है, इसका मतलब होता है कि बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रहेंगी, इन चीजों को हम कंसिडर करेंगे, बट ऑल अदर थिंग्स, कोई भी, जैसे कि मार्केट में एकदम से इन्फ्लेशन आ गया या फिर डिफ्लेशन आ गया, तो ये सब वुड बी केप्ट कांस्टेंट. नेक्स्ट इज लॉ ऑफ डिमांड. अब इसमें फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेम्बर इज कि इसको हम फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज भी बोलते हैं. इससे क्वेश्चन आया हुआ है कि फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज क्या होता है, तो हमें इसका नाम याद रखना जरूरी है. अब हम आते हैं, लॉ ऑफ डिमांड एक्चुअली है क्या. अब सपोज करो तुम कुछ भी चीज खरीदने जाते हो. अब आइसक्रीम लेने गए, उसका प्राइस है 10. अब अगर उसी सेम आइसक्रीम का प्राइस 5 हो जाता है, तो तुम्हारा मन करेगा ना कि एक की जगह हम 2 खरीद लें. तो क्या हुआ, प्राइस कम होने की वजह से हमारी डिमांड बढ़ गई, हम ज्यादा खरीदने लगे. सो दिस इज लॉ ऑफ डिमांड. जो यहाँ पर लिखा है वो भी सेम चीज है, कंज्यूमर डिमांड्स मोर एंड मोर गुड्स एट लोअर प्राइसेस एंड वाइस वर्सा, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट. तो हमने जब आइसक्रीम वाला एग्जांपल लिया, हमने ये नहीं सोचा ना कि हमारी इनकम बढ़ गई या क्या, तो हमने सारी चीजों को कांस्टेंट रखा. हमने सिर्फ ये देखा कि आइसक्रीम का प्राइस कम हुआ तो हम उसे ज्यादा खरीदेंगे. सो दिस इज लॉ ऑफ डिमांड. तो इसका ग्राफ कैसा होगा लॉ ऑफ डिमांड का, या डिमांड कर्व कैसा होगा, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा हमेशा. क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हमारा प्राइस रिड्यूस हो रहा है, वैसे वैसे हमारी डिमांड बढ़ रही है. जैसे यहाँ पर जब प्राइस रिड्यूस हुआ तो हमारी डिमांड यहाँ से यहाँ बढ़ गई, फिर उसके बाद हमारी डिमांड और बढ़ गई. तो इसलिए ये हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा. अब इसके पीछे कुछ सर्टेन रीजंस है. सबसे पहले है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. अब इसका मतलब क्या होता है, अब तुमने आइसक्रीम खरीदी, एक आइसक्रीम खा ली, दूसरी खा ली, तीसरी खा ली, धीरे धीरे तुम्हारा मन नहीं करेगा और जो टेस्ट पहली आइसक्रीम में आया होगा वो इतना अच्छा सेकंड आइसक्रीम में नहीं आएगा. क्यों? धीरे धीरे हमारी उसकी यूटिलिटी कम हो रही है. सो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि जैसे जैसे हम हमारी कंजम्पशन एक एक यूनिट से बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे हमारी यूटिलिटी कम हो रही है. सो दिस विल ऑल्सो बी डिस्कस्ड लेटर ऑन इन सर्टेन चैप्टर्स. नेक्स्ट आता है हमारा सब्सटीट्यूशन इफेक्ट. सब्सटीट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, कि जैसे ही कोई भी गुड का प्राइस बढ़ेगा तो कंज्यूमर्स क्या करेंगे, कि सस्ते वाले गुड्स पे चले जाएंगे, तो वो महंगे गुड को सस्ते से सब्सटीट्यूट कर देंगे. दिस इज सब्सटीट्यूशन इफेक्ट. सपोज करो हम टीवी खरीदने गए, सैमसंग का हमें 40,000 का मिल रहा है और एलजी का हमें मिल रहा है 50,000 का, तो हम 40,000 वाला प्रेफर करेंगे अगर दोनों की क्वालिटी वगैरह सब कुछ सेम है. तो यही होता है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, कि हम अपने सस्ते वाले गुड से महंगे को सब्सटीट्यूट कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे. नेक्स्ट आते हैं इनकम इफेक्ट. इनकम इफेक्ट क्या होता है, हमारी इनकम बढ़ने की वजह से हमारी कंजम्पशन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है. जैसे हमारी इनकम बढ़ी तो हमने ज्यादा गुड्स परचेज करने स्टार्ट कर दिए, और अगर कम हुई तो कम परचेज करने स्टार्ट कर दिए. तो ये होता है इनकम इफेक्ट. लास्ट है न्यू कंज्यूमर्स क्रिएटिंग डिमांड. अब कोई भी प्रोडक्ट आया, उसके पहले सिर्फ 100 कंज्यूमर थे, अब उसके कंज्यूमर्स जो है वो बढ़कर 200 हो गए, तो ऑब्वियसली अब 200 हो गए तो उसकी डिमांड तो बढ़ी ना. सो दीज आर दी रीजंस व्हाई दी डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग. नेक्स्ट इज देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड. एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड मतलब कि हमारा प्राइस जब इंक्रीज होगा तो डिमांड भी इंक्रीज होगी, या फिर प्राइस कम होगा तो डिमांड भी कम होगी. ये कैसे पॉसिबल है? सबसे पहला केस है गिफ्ट इन गुड. गिफ्ट इन गुड क्या करते हैं, जैसे प्राइस इंक्रीज होता है तो उनकी डिमांड भी इंक्रीज हो जाती है. ऑल्दो रियल लाइफ में इसका एग्जाम्पल इज वेरी टफ टू फाइंड. नेक्स्ट इज वेबलिन गुड. वेबलिन गुड जो है वो लग्जरी गुड्स का पार्ट है. अब वेबलिन गुड्स में एग्जाम्पल आ जाएगा, जैसे डायमंड हो गया या फिर ज्वेलरी हो गई. तो इन सब का क्या होता है, जैसे जैसे डायमंड का प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे हमें लगता है बहुत अच्छा है, तो उसकी वजह से उसकी डिमांड भी बढ़ती है. नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस राइज इन द फ्यूचर. अब हमें लग रहा है कि फ्यूचर में किसी भी एक प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा. सपोज करो हमें एसी खरीदना है, वो मिल रहा है अभी 40,000 का, और अभी कुछ दिनों में उसकी जो है प्राइस बढ़ जाएगा, वो हो जाएगा 50,000 का.
तो हम अभी 40,000 पे खरीद लेंगे. ऑल दो वो 40,000 पे बहुत ज़्यादा है, नॉर्मली ए सी 30,000 में अवेलेबल होते हैं. तो क्या हुआ, हमें पता है कि फ्यूचर में प्राइस राइज होगा, तो इसलिए अभी भी हम महंगे प्राइसेस पे लेने के लिए रेडी हैं. तो दिस इज व्हाट, कि प्राइस महंगा है और देन ऑल्सो डिमांड इज इंक्रीजिंग, तो ये भी एक्सेप्शन हुआ. अगला आता है बैंड वैगन इफेक्ट. अब ये क्या होता है कि कोई भी हम एक्टर एक्ट्रेसेस देखते हैं तो उसे हमें मन करता है कि इसको हमें कॉपी करना चाहिए. तो जब ये इमिटेशन वाली चीज़ आ जाती है तो उसे बोलते हैं बैंड वैगन इफेक्ट. तो वो चीज़ चाहे कितनी भी कॉस्टली हो, हम उसे परचेज करने के लिए रेडी हो जाते हैं. कोई भी ट्रेंड चल रहा है जो एक्ट्रेस ने फॉलो किया तो हम उसे ले लेते हैं. यहाँ पर भी सेम चीज़ लिखी है, सोसाइटी विच टेंड्स टू इमिटेट द कंजम्पशन पैटर्न ऑफ द हायर इनकम ग्रुप, लाइक टीनेजर्स आर ऑब्सेस्ड टू कॉपी द कंजम्पशन हैबिट्स ऑफ देयर फेवरेट टीम फिल्म स्टार्स. नेक्स्ट इज इमरजेंसी केस. अब इमरजेंसी केस हुआ कोई भी, तो मेडिसिन या फिर इंजेक्शन या कोई भी ऐसा पर्टिकुलर चीज महंगी मिल रही है तो भी हम उसे खरीदेंगे. फॉर एग्जाम्पल, एकदम से अभी कोई वायरस फैल गया उसकी वजह से बहुत लोग बीमार हो रहे हैं, लेकिन मेडिसिन जो है उसके लिए बहुत कॉस्टली हैं, तो कॉस्टली से फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें तो ठीक होना है. तो वो उन इमरजेंसी केसेस में ऑल्सो लॉ ऑफ डिमांड जो है वो फेल हो जाता है. नेक्स्ट इज गुड्स विद हायर प्रोडक्ट क्वालिटी. अब अगर क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है तो उसकी ऑब्वियसली कॉस्ट भी ज्यादा होगी और डिमांड भी ज्यादा होगी. नेक्स्ट इज स्नॉब अपील. इसमें क्या होता है कि कोई भी एंटीक आइटम, आपने नोटिस किया होगा कोई भी एंटीक आइटम होता है वो हमेशा महंगा मिलता है, तो इसमें भी लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है. नेक्स्ट इज ब्रांड रॉयल्टी. इट इज सेम एज हाई प्रोडक्ट क्वालिटी. और एक ब्रांड लॉयल्टी भी होता है, उसमें क्या होता है कि जो कंज्यूमर है वो बहुत लॉयल है अपने ब्रांड के लिए, उसका प्राइस कितना भी बढ़ा दो वो अपनी डिमांड उतनी ही रखेगा, वो बढ़ाएगा ही, तो उससे क्या है वो भी वहां पर भी हमारा जो है लॉ ऑफ डिमांड फेल हो रहा है. अब हम आते हैं डिमांड एंड प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स. अब ऐसा तो नहीं है कि पूरे मार्केट में सिर्फ हमारा प्रोडक्ट हो और भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, तो बाकी प्रोडक्ट्स के प्राइस में चेंज होने की वजह से हमारे प्रोडक्ट की डिमांड पर क्या इफेक्ट आ रहा है, उसे हम बोलते हैं क्रॉस प्राइस डिमांड. अब ये दो केसेस में हो सकता है, या तो जो दो गुड्स कंपेयर किए जा रहे हैं वो सब्स्टिट्यूट्स हैं या फिर कॉम्प्लीमेंट्स हैं. अब ये सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्स क्या होता है, सब्स्टिट्यूट्स वो गुड्स होते हैं जो कि एक दूसरे की जगह पर रिप्लेस हो जाए, जैसे कि हॉर्लिक्स एंड बॉर्नविटा, दीज कैन बी एक्सचेंज एंड रिप्लेस, ऐसे टी एंड कॉफी. कॉम्प्लीमेंट्स क्या होंगे, जो साथ में यूज हो, फॉर एग्जाम्पल कार एंड पेट्रोल, पेन एंड इंक. तो ये होते हैं हमारे सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्स. एक बार हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा है. सब्स्टिट्यूट गुड्स में लिखा है, सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स which are an alternative to one another in consumption. तो यही चीज़ है, टी अगर नहीं मिल रही तो हम कॉफी कंज्यूम कर लेंगे, हॉर्लिक्स नहीं अवेलेबल है तो बॉर्नविटा कंज्यूम कर लेंगे, तो ये हो गए सब्स्टिट्यूट्स. अब इनमें क्या होगा, सपोज करो अगर हॉर्लिक्स का प्राइस इंक्रीज हो गया तो उससे क्या होगी, उसकी डिमांड कम हो जाएगी, ये लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं. अब अगर लोग हॉर्लिक्स कंज्यूम नहीं कर रहे हैं तो वो किसी और प्रोडक्ट पर आएंगे, तो वो बॉर्नविटा पर आ गए, तो बॉर्नविटा का क्या हुआ, डिमांड बढ़ गई. तो इससे क्या हुआ, हॉर्लिक्स का प्राइस इंक्रीज होने से बॉर्नविटा की डिमांड इंक्रीज हो गई. तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स कॉजेज अ इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अदर गुड्स, राइट. अब हम चलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पे. अभी हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया था, अब सपोज करो कि कार का प्राइस जो है वो इंक्रीज हो गया, तो उससे क्या होगा, उसकी डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाएगी. अगर डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, लोगों के पास कार ही नहीं है, तो व्हाई वुड दे यूज पेट्रोल, तो पेट्रोल की डिमांड विल ऑल्सो डिक्रीज. तो यहाँ क्या हुआ, प्राइस इंक्रीज होने की वजह से डिमांड डिक्रीज हो गई. तो ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में. यहाँ पर भी सेम चीज लिखी है, अ प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड डिक्रीजेस इन डिमांड ऑफ अदर गुड्स. नेक्स्ट चीज है डिमांड एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर. सपोज करो कि एक कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई, तो वो जिस क्वांटिटी में गुड्स को कंज्यूम कर रहा था वो क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन ये सिर्फ नॉर्मल गुड्स के केसेस में होता है. इन्फीरियर गुड्स के केसेस में अलग होता है. जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर बाजरा. एक कंज्यूमर है वो बाजरा कंज्यूम कर रहा है 1 kg, लेकिन उसकी इनकम बढ़ गई तो वो बाजरा नहीं कंज्यूम करेगा, वो वीट कंज्यूम करेगा. तो ये क्या है, ये इन्फीरियर गुड है. तो इन्फीरियर गुड में क्या होता है, अगर इनकम इंक्रीज होती है तो जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो फॉल हो जाती है, ठीक है. लेकिन नॉर्मल गुड्स में क्या होता है कि इनकम इंक्रीज होने से उस गुड की डिमांड भी इंक्रीज होगी. तो ये हमें ध्यान रखना है, इसमें दो केसेस बन सकते हैं, नॉर्मल गुड्स के लिए और इन्फीरियर गुड्स के लिए. अगर नॉर्मल गुड है और इनकम इंक्रीज होती है तो हमारी डिमांड भी इंक्रीज होगी, लेकिन इन्फीरियर गुड्स के लिए अगर इनकम इंक्रीज होगी तो डिमांड डिक्रीज होगी, एंड द वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू विच इज रिटन हेयर. अगला है डिमांड एंड कंज्यूमर टेस्ट.
अब कंज्यूमर का टेस्ट जो है वो चेंज होता रहता है, कभी उसे पेप्सी पसंद है, कभी उसे कोक पसंद है, कभी उसे फैंटा पसंद है, तो इस पे भी डिपेंड करती है हमारी डिमांड। बाकी चीजों को कांस्टेंट रख दे अगर हम सिर्फ कंज्यूमर का टेस्ट देखें तो अगर पेप्सी के लिए उसकी प्रेफरेंस है तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, अगर फैंटा के लिए प्रेफरेंस है तो फैंटा की डिमांड बढ़ेगी। नेक्स्ट आता है एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड एंड इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है एंड इट इज इम्पॉर्टेंट, ये पूछा गया है एग्जाम में। एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में क्या आता है कि अगर कोई भी चेंज आता है डिमांड कर्व में तो वो आएगा प्राइस की वजह से, या तो प्राइस इंक्रीज होगा या प्राइस डिक्रीज होगा। लेकिन इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड में चेंज किस वजह से होता है, अदर फैक्टर्स की वजह से। अदर फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ गया या कम हो गया, या फिर इनकम कंज्यूमर की बढ़ गई या कम हो गई। तो अब जैसे एक्सटेंशन ऑफ डिमांड में क्या है कि हमारा जो है डिमांड बढ़ी क्योंकि प्राइस कम हुआ, तो उससे क्या होगा कि ये हमारा डिमांड कर्व है तो वो और नीचे चला जाएगा, ये हो गई एक्सटेंशन। लेकिन अगर हमारा प्राइस जो है वो बढ़ जाता है तो हमारी डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी, तो वो होगा तो डिमांड कर्व ऊपर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होगा। दिस इज कॉन्ट्रैक्शन, सो दिस इज कॉन्ट्रैक्शन एंड दिस इज एक्सपेंशन और एक्सटेंशन। तो कॉन्ट्रैक्शन में सेम चीज एक्सप्लेन करी हुई कि ऊपर चला जाएगा डिमांड कर्व। नेक्स्ट आता है इंक्रीज इन डिमांड। अभी हमने डिस्कस किया था इंक्रीज इन डिमांड जो होता है वो अदर फैक्टर्स की वजह से होता है, तो इसलिए यहाँ पर प्राइस जो है कॉन्स्टेंट रहेगा। अब अदर फैक्टर्स में क्या क्या आएगा, जैसे कि राइज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। सपोज करो किसी भी कंज्यूमर की इनकम पहले 20,000 थी और अब 30,000 हो गई, तो जो वो पहले गुड्स परचेज कर रहा था वो कम क्वांटिटी होगी, लेकिन अब वो 30,000 में ज्यादा परचेज कर सकता है तो वो अपनी डिमांड बढ़ा देगा। तो राइज इन इनकम लीड्स टू इंक्रीज इन डिमांड, राइट। सेकेंड है इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब किसी भी सब्स्टिट्यूट गुड का अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारे वाले गुड की डिमांड बढ़ जाएगी, अभी हमने पढ़ा था पीछे, तो उससे भी हमारा डिमांड जो है इंक्रीज होगी। सेम इज फॉल इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड जैसे कि अगर मान लो इंक का प्राइस जो है वो कम हो गया तो उससे क्या होगा, पेन की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि इंक हमें सस्ती मिल रही है तो हम पेन खरीद लेंगे ताकि हम इंक ज्यादा यूज कर सके। कंज्यूमर टेस्ट बिकमिंग स्ट्रॉन्गर। ऑब्वियसली बात है हमारे प्रोडक्ट के लिए कंज्यूमर की जो है टेस्ट और प्रेफरेंसेस ज्यादा स्ट्रांग होती जा रही है तो हमारी डिमांड बढ़ जाएगी। अब इन सब केसेस में क्या होगा, हमारे डिमांड कर्व है जो वो शिफ्ट हो जाएगा राइट में, क्यों, क्योंकि हमारी डिमांड इंक्रीज हो रही है। अब जैसे ये हमारा डिमांड फंक्शन है, यहाँ पर डिमांड होता है क्वांटिटी डिमांडेड और यहाँ पर होता है प्राइस। अब प्राइस तो कॉन्स्टेंट है तो किसी और फैक्टर की वजह से अगर चेंज आएगा तो ये इंक्रीज हो जाएगा यहाँ पर और ये शिफ्ट हो जाएगा राइटवर्ड। डिक्रीज इन डिमांड में उल्टा होगा, यहाँ पर जो डिमांड कर्व है वो लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा, ठीक है। अब ये सारे फैक्टर्स भी ऊपर की तरह सिमिलर है बस उसके उल्टे हैं, सो यू कैन गो थ्रू देम। अब आपको कोई भी क्वेरी है इससे रिलेटेड तो यू कैन पुट इट इन अ टेलीग्राम ग्रुप, आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो आपको कुछ भी दिक्कत हो कोई भी टॉपिक में इकोनॉमिक्स के तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर दें। अब नेक्स्ट आता है सप्लाई। ऑल्दो सप्लाई हमारे इस सिलेबस में मेंशन नहीं है एक्सक्लूसिवली, लेकिन सप्लाई इंपॉर्टेंट है क्योंकि सप्लाई और डिमांड पढ़ने के बाद ही हम एक इक्विलिब्रियम प्राइस पर पहुंच पाएंगे, तो उसके लिए हमें सप्लाई पढ़ना जरूरी है। तो हम इसे थोड़ा शॉर्ट में कवर करेंगे बिकॉज इट इज नॉट मेंशनड इन आवर सिलेबस। सप्लाई हमने पहले पढ़ लिया था स्टार्टिंग में ही, तो इसमें क्या होता है कि क्वांटिटी कोई भी सप्लाई होगी कमोडिटी की वो जो है वो प्राइस से डायरेक्टली रिलेटेड होगी और बाकी सारी चीजें कॉन्स्टेंट रहेंगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अब सपोज करो हम ए गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं, अब ए गुड का प्राइस जो है वो है 10 रुपए, कुछ टाइम बाद उसका प्राइस जो है वो बढ़ जाता है और वो जाता है 15 रुपीज। कोई भी प्रोड्यूसर क्या चाहेगा, वो 15 पे ज्यादा बेचे या 10 पे, ऑब्वियसली 15 पे। तो क्या हुआ, जैसे जैसे उसका प्राइस बढ़ा तो सप्लाई करने की इच्छा भी बढ़ी। तो दिस इज लॉ ऑफ सप्लाई, when the price increases the quantity supplied also increases, other things remaining constant। तो क्या हुआ, सप्लाई हमारा हो गया डायरेक्टली रिलेटेड और डिमांड हमारा हो गया इनडायरेक्टली रिलेटेड, किसके बीच में, प्राइस एंड सप्लाई एंड प्राइस एंड डिमांड रिस्पेक्टिवली। अब आगे चलते हैं, हमें याद है कि हमने डिमांड कर्व बनाया था वो डाउनवर्ड स्लोपिंग था, क्यों, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप थी। अब यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशनशिप है तो जो सप्लाई कर्व होगा वो अपवर्ड स्लोपिंग होगा। अब इसके पीछे भी कुछ रीजन होंगे, सबसे पहला है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। इसका क्या मतलब है कि जैसे जैसे हम अपना सपोज करो लेबर बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट तो ज्यादा होगा, सप्लाई तो बढ़ेगी लेकिन कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। तो कॉस्ट बढ़ने की वजह से जो है हम क्या करेंगे, अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा देंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, जैसे जैसे हमने वेरिएबल फैक्टर्स को ज्यादा ऐड किया तो हमारी क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज हुई है ना, और प्राइस भी इंक्रीज हुआ,
तो ये क्या हो गई, डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गई, अपवर्ड स्लोपिंग. नेक्स्ट है गोल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. किसी भी प्रोड्यूसर का एम होता है कि वो अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करे, और इनको मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्राइसेस को बढ़ाना पड़ेगा. जैसे ही प्राइसेस बढ़ेंगे वैसे ही सप्लाई भी बढ़ेगी, तो इसकी वजह से भी अपवर्ड स्लोपिंग हो गया. अब आता है सप्लाई फंक्शन. सप्लाई फंक्शन भी बहुत सारे वेरिएबल्स पे डिपेंडेंट है, जैसे कि प्राइस ऑफ गुड एक्स, फिर प्राइस ऑफ गुड वाई, उसके बाद टेक्नोलॉजी कैसी है, हमारा जो प्रोडक्शन की कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है टैक्स रिलेटेड या कोई और भी पॉलिसी, सब्सिडी वगैरह, तो उसको भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा. अब जैसे कि हमने डिमांड में पढ़ा था कि उसमें एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होती है या इंक्रीज या डिक्रीज होता है, यहाँ पर भी सेम चीज पढ़ेंगे. पहला है एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई, यहाँ पर भी क्या होगा, प्राइसेस की वजह से होगा. वहां क्या हो रहा था, जब हमारा एक्सटेंशन था तो वो भी प्राइसेस की वजह से था, तो यहाँ पर भी प्राइसेस की वजह से एक्सपेंशन, यहाँ पर उल्टा होगा, एक्सपेंशन ऊपर कॉन्ट्रैक्शन नीचे. वहां पर क्या था, ये डिमांड है, नीचे हो रहा था तो एक्सपेंशन, ऊपर जा रहा था तो कॉन्ट्रैक्शन. लेकिन सप्लाई में ऊपर जा रहा है तो एक्सपेंशन, नीचे जाएगा तो कॉन्ट्रैक्शन. ये प्राइसेस की वजह से होगा, तो जब प्राइसेस इंक्रीज होंगे तो सप्लाई भी बढ़ेगी तो एक्सपेंशन, अगर प्राइसेस डिक्रीज होंगे तो सप्लाई भी डिक्रीज होगी तो वो हो गया कॉन्ट्रैक्शन. इंक्रीज इन सप्लाई विल बी ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन दी प्राइस ऑफ दी कमोडिटी, राइट. इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे टेक्निक चेंज हो गई प्रोडक्शन की, और जो टेक्निक चेंज हुई है वो हमारे प्रोडक्शन के लिए फेवरेबल है, अगर वो फेवरेबल है तो उससे हमारी सप्लाई इंक्रीज होगी. ऐसे ही फॉल इन दी प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, यहाँ पे रिलेटेड गुड्स का मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड में प्राइस डिक्रीज हो गया, सपोज करो इंक का प्राइस जो है वो कम हो गया, तो पेन का क्या होगा कि हमारी डिमांड तो बढ़ेगी, ठीक है. अगर डिमांड बढ़ रही है और सप्लायर को भी पता है डिमांड बढ़ रही है तो अपनी सप्लाई इंक्रीज करेगा, राइट. तो इंक्रीज इन सप्लाई ड्यू टू फॉल इन द प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. ऐसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है तो हम और ज्यादा सप्लाई इंक्रीज कर सकते हैं. तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉल कैसे होती है, जब हमारा इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है. नेक्स्ट है फॉल इन टैक्सेस, अगर टैक्सेस हमें कम पे करने पड़ रहे हैं तो भी हमारी सप्लाई इंक्रीज होगी. इस केस में भी क्या होगा, ये हमारा सप्लाई फंक्शन है, इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, शिफ्ट होगा, ठीक है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड रिस्पेक्टिवली इन बोथ द केसेस. तो अब ये डिक्रीज इन सप्लाई आप लोग खुद पढ़ लेना, दीज आर दी सेम फैक्टर्स, बस इसके ऑपोजिट है इंक्रीज के. हमने देखा डिमांड फंक्शन जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग था और सप्लाई फंक्शन अपवर्ड स्लोपिंग था. तो अब जब दोनों डिमांड और सप्लाई एक पॉइंट पर मिलेंगे, जो वो पॉइंट होगा वो होगा इक्विलिब्रियम प्राइस, क्योंकि इस पॉइंट पर क्या होगा, जितनी क्वांटिटी कंज्यूमर डिमांड कर रहा है उतनी ही क्वांटिटी सप्लायर रेडी है प्रोड्यूस करने के लिए और सप्लाई करने के लिए. तो अगर इससे ऊपर होगा कहीं भी, अगर इससे ऊपर देखा जाए तो यहाँ पर क्या है कि सप्लाई बहुत ज्यादा है लेकिन डिमांड हमारी कम है. अगर नीचे देखा जाए तो सप्लाई जो है वो कम है और डिमांड ज्यादा है. क्यों, यहाँ पे प्राइसेस कम है, कम प्राइसेस पे डिमांड ज्यादा होगी लेकिन सप्लायर जो है वो रेडी नहीं होगा सप्लाई करने के लिए. ऐसे ही केस ऊपर में क्या है कि जो है प्राइसेस बहुत ज्यादा है, सप्लायर तो रेडी है महंगे प्राइसेस पे बेचने के लिए लेकिन जो है कंज्यूमर रेडी नहीं है परचेज करने के लिए. तो हमें एक ऐसे प्राइस पर आना पड़ेगा जहां दोनों रेडी हो, तो वो प्राइस होता है इक्विलिब्रियम प्राइस. तो यहां पर भी सेम चीज लिखी है, व्हेन मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई आर इक्वल टू ईच अदर देन इट इज नोन एज इक्विलिब्रियम प्राइस. तो आज का चैप्टर हम यहीं एंड करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक इट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस. थैंक यू.